हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है डाइवर्जेंस इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके पहले वीडियो के तक हम लोगों ने देखा था कि डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो होता है डेल डॉट ए वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ अगर हम लोग उसे डॉट प्रोडक्ट करके डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हम लोग के पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस आ जाते थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्थोगोनली उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग का मेन यहाँ पर चैलेंज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर फील्ड मान लेते हैं जिसका कंपोनेंट्स होगा ए वन ए टू और ए थ्री। साथ में ए वन कॉम्पोनेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगा, वो होगा ई वन कैप। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर ई वन कैप, ई टू कैप और ई थ्री कैप होगा, है ना। तो यहाँ पर डेल डॉट ए वेक्टर क्या होगा, डेल डॉट ए वेक्टर के जगह पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो ये डेल वेक्टर डॉट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डेल डॉट ए वन ई वन कैप निकाल लेते हैं, तो जो जनरल फॉर्म आएगा तो उसी के लिए ए टू ई टू के लिए होगा, है ना। तो डेल डॉट ए वन ई वन कैप, ठीक है, तो ये हम लोग का मेन टास्क है अभी यहाँ के लिए। अब ई वन कैप का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, यानी कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डेल वी का वैल्यू क्या था, ई टू कैप बाई एच टू, डेल डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, ई थ्री कैप बाई एच थ्री। तो एच टू एच थ्री जैसा है वैसा रखने दीजिए, और ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप इन दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हम लोग के पास आएंगे ई वन कैप। तो यानी कि हम लोग ई वन कैप के जगह पर क्या लिखेंगे, एच टू एच थ्री, साथ में एच टू एच थ्री को उधर ले जाएंगे हम लोग, एच टू एच थ्री साथ में डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। वही मैंने यहाँ पर लिखा है ए वन डेल डॉट ए वन यहाँ पर, और ई वन कैप के जगह पर एच टू एच थ्री डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, ठीक है ना। अब डेल डॉट ये कुछ है ना, तो स्केलर फंक्शन भी है, साथ में ये वेक्टर फंक्शन भी है। तब जो हम लोग का फंक्शन आता है, यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये इस प्रकार से। देखिए डेल डॉट मान लीजिए ये कोई स्केलर फंक्शन है, साथ में कोई वेक्टर है, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, देखिए डेल फाई डॉट ए वेक्टर प्लस इसका फॉर्मूला होता है फाई डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, और यहाँ पर स्केलर फंक्शन कौन सा है, ए वन एच टू और एच थ्री स्केलर फंक्शन है। तो इस प्रकार से डेल फाई यानी कि डेल ए वन एच टू एच थ्री डॉट प्रोडक्ट विथ द वेक्टर, वेक्टर कौन सा है, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू वेक्टर है, प्लस पहले स्केलर फंक्शन को लिखिए यानी कि ए वन एच टू एच थ्री, साथ में डेल डॉट ए वेक्टर। अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि ये जो डेल ऑपरेटर है, ये अगर एक डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, यानी कि डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर नहीं होता है, डेल डॉट डेल जीरो होता है ना। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो डेल डॉट ये है ना, तो इसके लिए ये जीरो हो गए। अब यहाँ पर डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखेंगे डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, ई वन कैप बाय एच टू एच थ्री, ई वन कैप बाय एच टू एच थ्री, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है, है ना। अब फाइनल आंसर हम लोग के पास क्या होगा, डेल तो आप लोग का हो गए, अब ए वन एच टू एच थ्री, ए वन एच टू एच थ्री, ई वन कैप कहाँ पर है, ई वन कैप है एच टू एच थ्री नीचे है। देखिए अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ए वन ई वन कैप, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी जो डेल का फॉर्मूला होता वो था डेल बाई डेल एक्स वन बाई एच वन ई वन कैप, है ना। तो ठीक उसी प्रकार वन बाई एच टू डेल बाई डेल वाई, साथ में ई टू कैप और साथ में वन बाई एच थ्री डेल बाई डेल जेड, साथ में क्या होगा, ई थ्री कैप होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग के पास था ई वन कैप ही था, और ई वन कैप डॉट ई वन कैप क्या हो जाएंगे, ई वन कैप डॉट ई वन कैप ये बचा हम लोग के पास, है ना। और बाकी टर्म्स तो है ही नहीं, बाकी टर्म्स तो जीरो है, तो जीरो के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एज ए डॉट प्रोडक्ट तो जीरो निकलेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डेल के जगह पर ये सारा लिख दिया है, वन बाई एच वन डेल बाई डेल यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ई वन कैप ए वन इज टू एच थ्री, ठीक है। आई होप आप लोग बात को समझ गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ई वन कैप तो ई वन कैप का वैल्यू क्या होगा आप लोगों को पता है, वन होगा, और ए वन एच टू एच थ्री, ये एच टू एच थ्री को पहले ला देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएंगे, एच वन एच टू एच थ्री, साथ में डेल बाई डेल यू ए वन एच टू एच थ्री। ठीक उसी प्रकार
अब ए टू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई एच वन एच टू, इसी तो कॉमन आएंगे, ए वन के जगह पर ए टू, एच टू के जगह पर एच थ्री, एच थ्री के जगह पर एच वन, यानी कि एक प्लस कर देंगे हम लोग, एक यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए वन टू और थ्री साइक्लिक रिपीटेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, साइक्लिक रिपीटेशन, वन टू और थ्री, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन, ठीक है ना, थ्री के बाद वन, टू के बाद थ्री, वन के बाद टू, ठीक है ना। साइक्लिक जो रिपीटेशन होता है उसके हिसाब से एच वन के बाद एच टू, एच थ्री के बाद एच वन, ए टू के बाद ए थ्री, तो ये हम लोग का फाइनल फार्मूला बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो फार्मूला हम लोग को यहाँ पर मिला था, है ना, तो इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हम लोग के पास ये आएगा, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने वन बाई एच वन एच टू एच थ्री कॉमन ले लिए और बाहर हम लोगों ने रख दिया उससे पहले से ही, और अंदर हम लोग के पास ये बचा। इससे आप लोग एक बात नोटिस तो कर रहे हो कि यहाँ पर कोई भी यूनिट वेक्टर एसोसिएट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डाइवर्जेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि उस पर डायरेक्शन ही नहीं है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और फार्मूला में हम लोग को एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि टू थ्री फोर हंड्रेड टू हंड्रेड कुछ वैल्यू मिलेगा, साथ में डायरेक्शन की एसोसिएशन नहीं होगा। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए, है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।